देखो, संपूर्ण धर्मों का उपदेश भगवान ही करते हैं। वैष्णवों का सर्वोपरि धर्म है शरणागति। शरणागति सर्वोपरि धर्म है, परम धर्म है। और उस शरणागति धर्म की शिक्षा भगवान के अतिरिक्त और कौन दे सकता है? भगवान ही शरणागति धर्म के शिक्षक हैं। तो शरणागति धर्म में भगवान ने सबसे पहले मत्स्य रूप में यह सिखाया, शरणागत को स्वयं में मैं अत्यंत दीन हूं, मैं अत्यंत हीन हूं, मैं सबसे छोटा हूं, ऐसी भावना रखनी चाहिए। शरणागत में पहली शर्त है ये, तृणादपि सुनी चेन, ये भावना शरणागत की होनी चाहिए। अपने को तृण से अधिक छोटा समझे। सर्व साधन शून्य अपने को समझे, क्योंकि जितना जितनी अधिक अहम शून्यता होगी, जितनी अधिक अहम शून्यता होगी उतना ही अधिक दैन्य भाव होगा, और जितना अधिक दैन्य भाव होगा शरणागति उतनी दृढ़ होगी। महाराज जी, जितने अंश में किसी भी प्रकार का अहम है उतने अंश में हम शरणागति से वंचित रहेंगे। तो सबसे पहले ठाकुर जी सबसे तुच्छ बन गए, मछली बन गए, ब्राह्मण बन जाते, महात्मा बन जाते, देवता बन जाते। भक्त की शरण कैसे ग्रहण करनी चाहिए, संत सद्गुरु की शरण कैसे लेनी चाहिए, ये पद्धति भगवान बता रहे हैं। इतने बड़े भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म, वो भगवान छोटे हो गए, सबसे छोटे हो गए, मछली हो गए, तुच्छ प्राणी। भगवान के संबंध में नहीं कह रहे हैं, एक सामान्य चर्चा कर रहे हैं।